दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप कैसे आसानी के साथ एजुकेशन लोन ले सकते हो, इसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक तरह से ना तीन कैटेगरी में एजुकेशन लोन को डिसबर्स करता है। पहली कैटेगरी तो वो है जो बच्चे इंडिया में ही पढ़ना चाहते हैं, यानी अपनी पढ़ाई इंडिया में ही करना चाहते हैं, भले ही पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर भले ही ग्रेजुएशन हो। दूसरी कैटेगरी वो है जो बच्चे देश से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है जिन बच्चों का देश के प्रेस्टिजियस यानी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन, जैसे कि IITs, NITs, IIMs, इनको अलग कैटेगरी में एजुकेशन लोन SBI डिसबर्स करते हैं। अब SBI का जो ये एजुकेशन लोन है ना, इसको हम एक बार वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल, यानी मान लो आपको भारत के किसी भी बैंक से एजुकेशन लोन लेना है, तो एजुकेशन लोन लेने का प्रोसेस क्या है, मतलब क्या है ये एजुकेशन लोन, कैसे लेना है, कैसे इसका पैसा भरना है, कब पैसा मिलेगा, कॉलेज की फीस कैसे भरी जाएगी। तो ये एक बार ओवरऑल पूरा का पूरा जो एजुकेशन लोन का कंसेप्ट है कि है क्या चीज ये, पहले हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, मान लो आपने जो है एग्जांपल लेते हैं कि ग्रेजुएशन करनी है और उसके लिए आपको लोन चाहिए। ग्रेजुएशन में भी मान लो आपको बीटेक करनी है, ठीक है जी। तो आपने 12th क्लास पास की और आप पहुंच गए बैंक के पास, XYZ, कैनरा, ICICI, किसी भी बैंक के पास आप पहुंच गए, ठीक है जी। आपने कहा जी मेरा 4 साल का जो है ये बीटेक रहेगी, 4 साल की बीटेक रहेगी और टोटल 8 सेमेस्टर्स रहेंगे, यानी हर 6-6 महीने में मुझे एक बार फीस भरनी है, ठीक है जी। मान लो फीस आपकी थी टोटल 4 लाख रुपए, ठीक है, तो आपको हर 6 महीने में 50,000 रुपये भरने हैं। तो बैंक कहेगा ठीक है मैं आपको एजुकेशन लोन दे देता हूँ। पहले 6 महीने में बैंक 50,000 रुपये जो भी आपकी टोटल फीस है वो सीधा सीधा आपके कॉलेज के अकाउंट में भेज देगा। ऐसे ही अगले 6 महीने 50,000, ऐसे करके 4 साल में टोटल आपको वो 4 लाख रुपये बैंक पे कर देगा। अब बात आती है कि आपको पैसा कब भरना है। देखो जिस दिन बैंक ने अपने 50,000 पहली बार दिए, जिस दिन भी 50,000 रुपये पहली फीस बैंक ने आपके कॉलेज को दी, उस दिन से आपका ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। पैसा आपको नहीं देना, पैसा आपको पूरे के पूरे आपके कॉलेज के टाइम में बैंक एक बार भी आपको फोन वगैरह कोई लेटर वेटर कुछ नहीं भेजेगा, आपको ना ही एक बार भी अप्रोच करेगा कि पैसा दो। 4 साल में आपको खुद से अपनी तरफ से बैंक को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके टोटल जो भी आपको बैंक ने 4 लाख रुपए दिए, इसका जो ब्याज है, देखो जब पहली बार 50,000 रुपए बैंक आपको देगा तो ये 50,000 के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो गया, फिर एक और 50,000 दिए, अब अगले 6 महीनों के लिए जो है 1 लाख रुपए हो गए आपके टोटल, तो 1 लाख के ऊपर ब्याज लगा, फिर 50,000 और दिए, फिर 1.5 लाख के ऊपर रह गए, ऐसे करके आपका ब्याज वाला मीटर तो शुरू हो गया। लेकिन अच्छी बात यह रहती है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, उस टाइम आपके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता, आपके ऊपर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज यानी ब्याज के ऊपर ब्याज जो नॉर्मल लोन में लगता है वो नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट बैंक आपके ऊपर लगाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद मान लो अब आपकी पढ़ाई हो गई खत्म, आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, अब बैंक बोलता है कि आपको मैं 1 साल का और टाइम दे देता हूं, 1 साल और टाइम देता हूं, आप अभी भी मुझे पैसा मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सिंपल इंटरेस्ट आपके ऊपर लगता ही रहेगा। 1 साल का और बैंक इसलिए टाइम देता है कि आप ऐसा तो यानी कि आज कॉलेज खत्म हुआ है तो डे वन से ही मेरी नौकरी लगी, तो बैंक बोलते हैं कि कोई बात नहीं 1 साल का और टाइम देता हूं, आप अपनी जॉब वॉब ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ऐसे करके यानी बैंक ये बोलता है कि आपकी जितने भी टाइम की डिग्री है, यानी डिग्री का टेन्योर, हो सकता है कि आपकी डिग्री 3 साल की भी हो प्लस फिर 1 ईयर का एक्स्ट्रा टाइम दे देगा, तो जो भी डिग्री का टेन्योर है प्लस 1 ईयर का ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, ये टाइम बैंक आपको देता है। इस ड्यूरेशन में बैंक आपसे नहीं कहेगा कि आप मेरी EMI वापस भरो, जैसे ही ये टाइम कंप्लीट होगा उसके बाद बैंक आपसे कहेगा कि आप बताओ कि आपकी EMI तो शुरू हो गई है, कितने सालों में लोन उतारोगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोई बैंक बोलेगा 10 साल, कोई बैंक बोलेगा 15 साल, ठीक है, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो 10 से 15 साल का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, यानी ये वाला जो टाइम है इसके अलावा 10 से 15 साल का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अब ये वाला जो टाइम है ना, ये डिग्री वाला जो टाइम है, यानी जब आप अपनी डिग्री कर रहे हो प्लस में 1 साल का जो ये एक्स्ट्रा टाइम है, इस टाइम को बोला जाता है मोराटोरियम पीरियड, ठीक है। मोराटोरियम पीरियड का मतलब ये होता है कि बैंक आपसे आपके ऊपर इंटरेस्ट तो लगा रहा है लेकिन आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा कि आप EMI मेरी भरो। हाँ, लेकिन आजकल क्या हो गया कि ना फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा चलन हो गया देश में, ठीक है, कि बच्चे पढ़ाई करने तो जाते हैं साथ साथ उनकी जो स्किल्स है उससे फ्रीलांसिंग के थ्रू कुछ ना कुछ पैसा अर्न करते रहते हैं। तो
ये जो मोराटोरियम पीरियड है यानी जो आपका डिग्री वाला टाइम है, इस टाइम में ऐसा नहीं है कि आप पैसा, अगर मान लो आपके पास पैसा आ रहा है, आप एक स्टूडेंट हो और कुछ ना कुछ पैसा भी कमा रहे हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो आप चाहो तो अपना ये ब्याज भर भी सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ब्याज भर ही नहीं सकते और जब आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी प्लस एक साल के बाद आपको ब्याज, आप चाहो तो ब्याज भर सकते हो और आपको भरना भी चाहिए क्योंकि आप धीरे धीरे करके इस लोन को क्लियर करते चले जाओगे। मतलब आप अभी यहाँ पे इंटरेस्ट अगर भरते चले जाते हो अपने कॉलेज के टाइम में तो आपके ऊपर बाद में प्रेशर नहीं आएगा, आप इस चीज को समझो। ठीक है ना, तो आपको भरना ही चाहिए अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है, अगर आप कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर रहे हो तो यहां से आप अपना इंटरेस्ट भर भी सकते हो। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन लोन जब आप लेते हो ना, ठीक है, जो भी आपने एजुकेशन लोन लिया, मान लो आपने ब्याज भरा नहीं भरा व्हाटसोएवर, ठीक है, जब आपका लोन भरना शुरू हुआ, जो भी आप ईएमआई भरनी शुरू करोगे, ठीक है, डे वन से जब आपकी डिग्री खत्म हो गई, एक साल का एक्स्ट्रा टाइम हो गया, आपने ईएमआई भरनी शुरू कर दी, ठीक है जी, जो आप ईएमआई भरोगे वो ईएमआई कैसी रहेगी? एक तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रिंसिपल अमाउंट आप बैंक को वापस दे रहे होगे प्लस बैंक को इंटरेस्ट दे रहे होगे। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन 80E है यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 80E है, ये बोलता है कि एजुकेशन लोन जब आप लेते हो तो उसकी जो इंटरेस्ट रीपेमेंट होती है वो जितना भी पैसा आप भरोगे इसके ऊपर आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो टैक्स रिबेट है ये कितनी मिलेगी, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी टैक्स रिबेट ले लो। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, मान लो जब आपने ईएमआई भरनी शुरू करी, ठीक है जी, वो ईएमआई आपने मान लो आज से भरनी शुरू की, लेकिन आपने ये कह दिया कि मुझे एजुकेशन लोन उतारना है 15 सालों के अंदर अंदर, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि 15 सालों में आप उतारोगे, 15 सालों में हर महीने आप जो है अपनी ईएमआई भरोगे। ठीक है, अब इस ईएमआई के अंदर जो इंटरेस्ट वाला पार्ट होगा उसके ऊपर मैं हम आपको टैक्स रिबेट तो दे रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा हम आपको 8 साल तक दे सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि 15 साल तक, मान लो 8 साल तक आपको टैक्स रिबेट मिली और आप 15 साल के लिए लोन ले रखे, आपने 15 साल में सोचा कि हम उतारेंगे, तो अगले 7 साल तक आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। तो इसका सबसे, इसका अगर बेस्ट एडवांटेज आपको लेना है तो एजुकेशन लोन जब आप ले रहे हो तो जब आप ईएमआई भरनी शुरू करोगे तो बैंक को बोलो कि मुझे 8 सालों के लिए ही एजुकेशन लोन चाहिए, मुझे 15-15 साल के लालच में नहीं पड़ना। ठीक है, तो 8 सालों के लिए लो, पूरे के पूरे टेन्योर में आपको जो भी आप इंटरेस्ट भरोगे उसके ऊपर आपको टैक्स रिबेट मिलती चली जाएगी। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है मार्जिन मनी का। अब मार्जिन मनी में ये बोलता है बैंक कि मान लो अगर किसी को लोन चाहिए 4 लाख रुपए तक, ठीक है जी, तो बैंक बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, 100% मैं आपको लोन दे दूंगा, आपको अपनी जेब से कुछ भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो लोन है मान लो 4 लाख से ऊपर चला जाता है, 5 लाख, 6 लाख, जितना मर्जी चला जाता है, तो बैंक बोलते हैं देखो थोड़ा थोड़ा मुझे अब डर लग रहा है, आप कुछ ना कुछ पैसा तो अपनी जेब से भी भरो। तो बैंक बोलते हैं कि मार्जिन मनी रखो आप। मार्जिन मनी में बैंक आपको, हो सकते है कोई बैंक कह दे कि 10% पैसा आप भरो, या कोई बैंक बोल देगा 20% पैसा आप भरो, बाकी 80% पैसा मैं दे दूंगा। ठीक है, मान लो किसी की फीस सपोज करो 6 लाख रुपए, ठीक है जी, तो 6 लाख रुपए फीस है, तो इसका 20% निकाल लो तो 1,20,000 रुपए बैंक बोलेगा कि ये आप अपनी जेब से भरो, बाकी का जो पैसा है वो मैं फिर आपको लोन की फॉर्म में दे दूंगा। तो ये मार्जिन मनी का कंसेप्ट है। इसके बाद लोन अमाउंट कितना मिलेगा, देखो जनरली ये ना बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कोई बैंक, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, हो सकता है प्राइवेट बैंक बहुत ज्यादा दे रहे हो, हो सकता है कुछ एक सरकारी बैंक बहुत ज्यादा दे रहे हो, तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। बट एक ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप इंडिया में पढ़ाई करते हो, ठीक है, भारत में पढ़ना चाहते हो किसी कॉलेज में, तो जनरली 15 लाख तक बैंक अपने आपको रोक लेते हैं कि इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और अगर मान लो आप बाहर जाके पढ़ते हो तो ये अमाउंट जा सकती है 75 लाख रुपए तक, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कोलेट्रल का क्या कंसेप्ट होता है, कोई चीज गिरवी भी रखनी होती है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये जो कोलेट्रल वाला कंसेप्ट है ना, इसमें बैंक ये बोलता है कि अगर मान लो आप लोन ले रहे हो 4 लाख रुपए तक, ठीक है जी, पहले वाला अलग चीज थी, मार्जिन एक अलग चीज है, अब मैं कोलेट्रल यानी कोई चीज गिरवी रखनी है क्या बैंक के पास एजुकेशन लोन लेते टाइम, ठीक है। तो इस केस में बैंक बोलते हैं कि अगर आप लोन ले रहे हो 4 लाख तक, तो इस केस में आपको कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने जो पेरेंट्स हैं उनको एज अ जॉइंट बोरोअर आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कल को आप तो बच्चे हो, आप की जॉब लगे नहीं लगे, मान लो लग भी गई तो आपको कौन सा इतनी समझ है कि बैंक का लोन उतारना पड़ता है, सिविल स्कोर नाम की भी कोई चीज होती है, बच्चों को इतना नहीं पता होता, इसलिए बैंक बोलते हैं कि पेरेंट्स को जॉइंट बोरोअर हम ऐड करेंगे, ये मैंडेटरी है, ठीक है जी, लेकिन कोई चीज गिरवी नहीं रखनी, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आप लोन ले रहे हो 4 लाख से लेके 7.5 लाख रुपए के बीच में, ठीक है, तो इस केस में भी बैंक बोलते हैं कि कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी, साथ में पेरेंट्स को जो है वो जॉइंट बोरोवर हम ऐड करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ
हम एक थर्ड पार्टी गारंटर भी ऐड करेंगे। अब ये थर्ड पार्टी गारंटर कौन हो सकता है, मान लो आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी हो गया, यानी आपका ब्लड रिलेशन जिसके साथ ना हो, वो एक थर्ड पार्टी गारंटर रहेगा इस केस में, ठीक है। अब अगर मान लो आपकी जो लोन अमाउंट है वो 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है, आपको चाहिए 10 लाख रुपए चाहिए, तो इस केस में बैंक बोलता है कि अब हमें कुछ ना कुछ गारंटी चाहिए, या तो अपने घर के कागज ले आओ, कोई प्लॉट व्लॉट पड़ा है तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पड़ी है तो उसके कागज ले आओ, कोई एफडी वेफडी करा रखी है तो वो गिरवी रख दो, यानी कोई ना कोई चीज तो मुझे अब गिरवी चाहिए, क्योंकि बैंक इतना पैसा अनसिक्योर्ड लोन कि कल को आप दो ना दो नहीं उठा सकता, ठीक है। तो इस केस में बैंक ये बोलेंगे कि कोई ना कोई चीज आपकी हम गिरवी अपने पास रखेंगे, साथ में जो पेरेंट्स हैं वो तो ज्वाइंट बोरोवर ऐड रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद एजुकेशन लोन में एक इंटरेस्ट सब्सिडी नाम की भी चीज होती है, जैसे जब भी हम एजुकेशन लोन लेते हैं, ठीक है जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब आप डिग्री कर रहे हो, ठीक है, प्लस डिग्री के बाद एक साल का आपको बैंक एक्स्ट्रा टाइम भी देता है, इस पूरे टाइम को हम मोराटोरियम पीरियड बोलते हैं। ये जो मोराटोरियम पीरियड में आपको इंटरेस्ट लग रहा था ना, ये पूरा इंटरेस्ट माफ हो सकता है। कब माफ हो सकता है? अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी अगर आपकी फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपए से अगर कम है, तो ये जो मोरेटोरियम पीरियड के दौरान आपके ऊपर इंटरेस्ट बैंक लगा रहा था ना, सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा का पूरा माफ हो जाएगा अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हो। इसे हम बोलते हैं एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम। तो यहां तक हमने ये तो क्लियर कर लिया कि ओवरऑल बैंकों में एजुकेशन लोन लेने का क्या कंसेप्ट है। अब एक बार हम ये देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो उसका क्या कंसेप्ट है। तो यहां पे आप देखो, जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, ये अलग अलग कैटेगरी में जो है अपना एजुकेशन लोन डिसबर्स करता है, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी में ये डिसबर्स करता है ऐसे स्टूडेंट्स को, यानी अगर किसी को भी अपनी जो पढ़ाई है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी पढ़ाई, अगर उसे इंडिया में ही रह के करनी है, ठीक है, और नॉर्मल किसी कॉलेज में उसका एडमिशन होता है, तो उस केस में SBI एजुकेशन लोन कैसे देते हैं। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट तो यही है जो अभी तक हमने डिस्कस किया दूसरे बैंकों की तरह ही, कि आपका जो डिग्री का टाइम है प्लस एक साल का एक्स्ट्रा टाइम, ये तो हो गया जी आपका मोरेटोरियम पीरियड। उसके बाद डे वन से आपका ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो आपको एक्स्ट्रा मैक्सिमम 15 साल का टाइम दे सकता है बैंक, ठीक है, लेकिन हमें यह 15 साल नहीं चाहिए, हमें यह करना है 8 साल, यानी मुझे अपना 8 साल के अंदर अंदर ही लोन जो है वो क्लियर कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मेरे को यहां पर 8 साल के अंदर टैक्स रिबेट्स मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस की बात करें, ठीक है, देखो जब भी हम लोन लेते हैं तो इसके साथ एक प्रोसेसिंग फीस लगती है जिसे हम फाइल चार्ज बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि अगर 20 लाख रुपए तक अगर आप लोन ले रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, लेकिन 20 लाख से ऊपर अगर आपका लोन है तो उस केस में 10,000 की आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगी, ठीक है। तो कोई ज्यादा फीस नहीं है, ना के बराबर ही फीस है। उसके बाद सिक्योरिटी की अगर हम बात करें कि कोई चीज गिरवी रखनी है या नहीं रखनी, तो उस केस में स्टेट, देखो अभी तक जो मैंने आपको पीछे बताए थे ना, वो मैंने ओवरऑल आपको फिगर्स बताए थे, ओवरऑल कि जनरली बैंक कितना करते हैं, वही मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस चलता रहेगा, जितने जितने बैंक में जाते जाओगे उनकी सिक्योरिटी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहां पीछे जो मैंने बताया था वो एक ओवरऑल आइडिया दिया था, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तो ये फिगर्स हैं ही है, ठीक है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि 7.5 लाख रुपए तक अगर मान लो आप एजुकेशन लोन लेते हो तो उस केस में कोई भी चीज आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां आपको पेरेंट्स को, यानी जो भी आपके गार्जियन है पेरेंट्स हैं, उनको आपको एज ज्वाइंट बोरोवर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो एजुकेशन लोन की डिमांड है वो अगर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है, ठीक है जी, तो उस केस में आपको एक तरह से पेरेंट को तो ये रखना ही रखना है, साथ में आपको कोई ना कोई कोलेटरल, कोई ना कोई चीज बैंक के पास गिरवी रखनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि आप अपने प्लॉट के कागज रख दो, हो सकता है कि आप कोई भी चीज अपनी फिक्स डिपॉजिट जो है बैंक के पास गिरवी रख दो, एनीथिंग, कोई भी चीज आप अपनी गिरवी रख सकते हो। इसके अलावा मार्जिन का जो कंसेप्ट है कि अगर आप 4 लाख रुपए तक लोन लेते हो तो कोई भी चीज कोई दिक्कत नहीं है, 100% लोन आपको बैंक ही देगा, लेकिन अगर आपका जो लोन है वो 4 लाख रुपए से ज्यादा चला जाता है तो उस केस में यहां पे अगर आप इंडिया में पढ़ाई करते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ ये बोलता है, मान लो आपका 5 लाख का लोन है तो आपको सिर्फ 5% ही मार्जिन मनी रखनी है, यानी 5% मार्जिन मनी रखनी है और 95% जो लोन है वो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे देगा। लेकिन अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो तो उस केस में मान लो आपका 4 लाख से ज्यादा का लोन है तो आपको फिर 15% डाउन पेमेंट करनी है, ठीक है, 15% डाउन पेमेंट यानी अपनी जेब से भरना है और बैंक आपको सिर्फ 85% पैसा ही देगा। इसके बाद अगला केस लेके चलते हैं,
एजुकेशन लोन SBI उन बच्चों को कैसे देगा जो देश से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है जी। अब इस केस में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैक्सिमम आपको 1.5 करोड़ तक का लोन दे रहा है अगर आप देश से बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, ठीक है जी। उसके बाद टाइम पीरियड कितना दे रहा है, वही 15 साल का दे रहा है आपको टाइम पीरियड। प्रोसेसिंग फीस 10,000 रुपये है, ये भी कोई कुछ खास नहीं है, ना के बराबर ही है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, एक तरह से वही सिंपल चीज़ होगी कि जो आपका जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा, ठीक है, वो भी कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ध्यान देने की बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ठीक है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के कर दिया है 11.15%। अगर मैं नॉर्मल केस की बात करूं, जैसे यहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया पिछली स्लाइड के अंदर, पिछली स्लाइड में जो नॉर्मल बच्चा इंडिया में पढ़ रहा था उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9% का। अब ये 9% कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगा। जिसका सिविल स्कोर, जिसके पेरेंट्स का जो सिविल स्कोर है वो एकदम परफेक्ट है, तो उनको तो 9 पे मिल जाएगा, अदरवाइज ये भी ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है ना। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि 9% SBI ने लिखा है तो 9%, इसका मतलब है कि 9% से शुरू हो जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पास्ट में लोन ले रखे हैं 4-5, टाइम पे क्लियर है, 9% पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हो जो सिक्योर्ड सी नहीं है, प्राइवेट जॉब है, कोई सिक्योर्ड जॉब नहीं है, MNC में नहीं है, ठीक है, किसी छोटी मोटी कंपनी में हो, कोई पीछे लोन भी ले रखा है, वो छोटा मोटा डिफॉल्ट भी हो रखा है, तो फिर नहीं मिलेगा, फिर भैया इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट आप ये कह ही नहीं सकते कि आपको 9% पे मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जो नॉर्मल बच्चे को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इंडिया में पढ़ाई करने के लिए, वही बच्चे को अगर देश से बाहर जाके पढ़ाई करनी है तो उस केस में फिर आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे 11.15% से शुरू हो रहे हैं। फिर आपकी वही चीज़ है कि डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर ये कहाँ जाके रुकेगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात ये कि कोलेट्रल मैंडेटरी है, भले ही आपको 4 लाख का लोन लेना हो, या भले ही आपको 1 लाख का लेना है, या भले ही आपको 1 करोड़ का लेना है, डजेंट मैटर, आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी रखनी ही पड़ेगी, चाहे घर के कागज रखो, चाहे कुछ भी चीज रखो, आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये अब्रॉड के बाद जो थर्ड कैटेगरी में SBI लोन देता है, एजुकेशन लोन, वो उन बच्चों को देता है जिसका IITs NITs में अगर एडमिशन हो जाता है तो, ठीक है। इस केस में 100% फाइनेंसिंग है, मार्जिन मनी का कोई कंसेप्ट नहीं है, भले आपकी फीस 10 लाख रुपए है कोई दिक्कत नहीं है, 100% बैंक ही आपको एक तरह से लोन देगा, आपकी फीस भरेगा, क्योंकि बैंक को ट्रस्ट है कि बच्चा IIT से पास आउट होएगा तो इसकी जॉब लग ही जाएगी, NIT से निकलेगा तो इसकी जॉब लग ही जाएगी, कुछ तो कर ही लेगा ये लाइफ में, कि जब उसने इतना टफ एग्जाम क्रैक किया तो, ठीक है। उसके बाद कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद रीपेमेंट की बात वही सिंपल है कि कोर्स का टाइम प्लस 1 साल ये मोराटोरियम हो गया, और 15 साल मैक्सिमम मिलेगा, ये भी नॉर्मल जैसे उधर दूसरे केसेस में वैसे ही इसमें रखा है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखो यहाँ पे 8.55% कर दिया, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा कंसेशन दे रहा है इन बच्चों को, क्योंकि बैंक को भरोसा है इन बच्चों के ऊपर कि ये जो बच्चे जो IITs में जा सकते हैं वो कल को जॉब नहीं भी करें तो खुद का बिजनेस कर लेंगे, तो बैंक को ट्रस्ट है, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर दिए। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट एजुकेशन लोन के ऊपर। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।